हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सभी? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो अभी सुबह सुबह नाश्ते में बन रही थी साउथ इंडियन डिश, तो क्या बन रही है? तो अभी मैं चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मूंगफली को अच्छे से भून लूँगी और इसके छिलके को भी मैं उतार लूँगी। यहाँ पे है ये इंस्टेंट इडली बैटर जो मार्केट से आई थी, इसमें मैं स्वाद अनुसार नमक ऐड करूँगी और इसे बस मिक्स कर दूँगी और इससे मैं जो इडलियाँ हैं वो बना लूँगी। तो साउथ इंडियन रेसिपी किस किस को पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। तो चलिए, नमक को अच्छे से मैं पहले मिक्स कर लेती हूँ जिससे कि कहीं ज़्यादा नमक कहीं कम नमक ना लगे। मूंगफली भून चुकी है तो यहाँ पे मैं चना दाल को भी अच्छे से रोस्ट कर लूँगी और एक प्लेट में निकालूँगी। तो यहाँ पे बादाम है जिसके छिलके निकालनी हो, और चना थी जो मतलब चना दाल वो थी, और थी जो हम लोग भुंजा खाते हैं ना चना वो थी। और यहाँ चटनी बनाने के लिए थोड़ी सी करी पत्ता ली हूँ, 5 हरी मिर्च, अदरक, धनिया पत्ती और पुदीना ली हूँ। इसे मैं ग्राइंड करूँगी अभी। पहले मैं इडली को स्टीम होने के लिए रखती हूँ। इडली के सांचों को मैं अच्छे से फील कर दूंगी और कुकर में पानी डाल करके मैं चढ़ा दी हूँ, जो 5 लीटर वाली कुकर है। आप किसी भी बर्तन में स्टीम कर सकते हैं, कोई भी डिक्ची पतीला कुछ भी हो। तो मैं यहाँ पे कुकर में स्टीम करती हूँ, उसके रबड़ और जो लिड विसल होते हैं वो निकाल दूँगी उसकी सीटी, और 15 मिनट्स के लिए मैं लगाती हूँ, 12 to 15 मिनट के बीच, और हमारी इडली यहाँ पे स्टीम हो जाती है इतनी देर में। यहाँ पे चटनी को भी मैं ग्राइंड कर ली थी थोड़ी थोड़ी पानी डाल करके। अब इसमें भी मैं तड़का लगा लूँगी, पहले मैं इडली को चेक कर लूँ। तो यहाँ जो इडली है हमारी बन चुकी है, और सारे प्लेट को उस स्टैंड से निकाल करके मैं रखूँगी ताकि अच्छे से ठंडे हो जाए 5-7 मिनट में। उसके बाद इन सांचों में से मैं सारी इडलियों को निकाल लूँगी, वरना अगर अभी तुरंत निकालेंगे तो इडलियाँ जो है वो टूटने लगती है और प्लेट पे चिपक जाती है। तो सभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर चुके हैं, तो ये मैं अपने लिए निकाली हूँ इडली, और इडली पर मैं थोड़ा सा काला नमक स्प्रेड की थी जो कि मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पर चटनी के साथ मैं ब्रेकफास्ट अपनी कर रही हूँ। केला में चढ़ाई थी पूजा पे, वही है, देखती हूँ बनाना सेक बनेंगे या क्या बनेंगे। ये दही बाहर निकाल के रखी हूँ चूरन दही जमाने के लिए, और ये है सपाटू चिको जिसको कहते हैं, इसके सेक बनाई थी मैं। रेसिपी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। ये किचन वगैरह क्लीन है सब कुछ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो अभी शाम हो गए हैं, अभी बजने वाले 6। तभी मैं जितने कपड़े रखे हैं इन सबको फोल्ड करूँगी, तो चलिए फोल्ड कर लेती हूँ फटाफट से। क्योंकि सब काम हो चुके हैं लगभग शाम वाले, और 1 घंटे के बाद अंधेरा हो जाएगा, फिर मैं सांझ बत्ती दे दूँगी, फिर चाय वगैरह बनाएंगे, पियेंगे। क्या बनेंगे डिनर में? क्योंकि गर्मियों के दिन में ना सबसे अच्छी होती है ये नाइटी, जिसमें कि बहुत आराम मिलता है पहनने पर। पुरानी नाइटी होने पर कुछ ज़्यादा ही आराम लगती है, क्योंकि जो भी सावा कपड़ा रहता है ना गर्मियों के दिन में बढ़िया सुकून देता है, आप रिलैक्स फील करते हैं। हैंगर में कपड़ा डालने से क्या होता है कि बहुत जल्दी सूखती भी है और स्पेस भी बहुत कम लेती है कपड़ा डालने में। अगर एक एक करके टी शर्ट डालो तो सारी तारी पूरी फुल हो जाती है। अभी जस्ट तार पर से कपड़ा उतार ही थी मैं, वही समेट लेती हूँ क्योंकि मैं कपड़े वगैरह रखती नहीं हूँ, थोड़ा थाप के हाथ समेट के हटा देती हूँ, वरना क्या ना क्रीच पड़ जाते हैं, और ऐसे अगर आप तुरंत फोल्ड कर दो ना तो बिल्कुल लगती है आयरन की हुई। बॉडी की रूटीन यही है कि हाथ के हाथ उठाओ, समेट के सर जगह पे रख दो, तो फिर आज का कल कल का परसों होता रहता है।
नौवीं नवरात्रि तो जिस वजह से घटी थी छुट्टी स्कूल में, और गर्मियों के दिन में तो स्कूल ड्रेस जो होती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी पसीने की वजह से स्मेल थोड़ी सोती है, तो हर दिन ही धोने पड़ते हैं सॉक्स वगैरह ये सब। और ठंड के दिनों में क्या है कि दो तीन दिन पे आप धो लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, गर्मियों में बट कपड़े पसीने वगैरह से पहने ही नहीं जाता एक दिन का कपड़ा दूसरे दिन। तो आज छुट्टी भी थी, कपड़े भी धुलने थे, और कल आएगी हम लोगों की सप्लाई पानी। कपड़े धुलते हैं तो बस धुलते ही जाते हैं। और ये कॉटन की सोर्स जो है ना प्योर कॉटन काफ़ी अच्छी है, आई थिंक सन सुपर हो गए हैं। और सोच रही हूँ ये कुछ से डेढ़ महीना जून निकल जाए तब तक तो ये पहनूंगी, क्योंकि काफ़ी कंफर्टेबल है इस वजह से। अभी फ़ोन करूँगी हस्बैंड को, पूछूँगी डिनर में क्या बनेंगे। लाइट कलर की पैंट होने की वजह से ना स्कूल की बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और जो ये गमछी होती है ना ये तौलिया से काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि कपड़े वगैरह ना मतलब जो पानी होती है ना बॉडी की या फिर आप बाल वगैरह जब सर धुलते हो तो काफ़ी पानी अच्छे से इसमें सोख जाती है, तो हमारे यहाँ सभी कोई गमछी ही यूज़ करते हैं, सबकी अलग अलग ये गमछियाँ हैं। कपड़े सारे ये हैंड टॉवल जो किसी के पास रखती है। चलिए पढ़ाई नहीं हो रहा, घुमा हो रहा है, चलिए पहले हैंगर रखती हूँ, ये हैंड टॉवल, ये सारी हैंगर जाएगी अंदर। मैं आ रही हूँ कपड़े लेके। सारे कपड़े जाएंगे जगह पे। अभी एक दिन ठीक करने सारे अंदर कपड़े उल्टे फुलते हो गए हैं। यहाँ पे और ये दूध गर्म, इससे मैं जमाऊंगी दही। तो इससे पहले कढ़ा लेती हूँ, अच्छे से गर्म कर लेती हूँ। यहाँ पे आए थे ये ग्लूकोज, और यहाँ पे ये दाल, पहले डब्बे में ये दाल को डालती हूँ। ये अरहर दाल, ये ग्लूकोज फ्रिज में रखूंगी मैं, क्योंकि ऑरेंज फ्लेवर होती है ना बहुत अच्छी होती है, इस वजह से मैं ये वाली मंगवाती हूँ, नींबू या फिर प्लेन वाली अच्छी नहीं लगती है। अगर मैं डिनर बना रही हूँ तो कुकर में दाल चढ़ाई हूँ, उसमें हल्दी नमक डालूंगी और दो विसल लगा लूँगी, दाल बन जाएंगी। और बाद में इसमें मैं तड़का लगा दूंगी, और यहाँ पर मैं चावल भी चढ़ा रही हूँ, एक तरफ चावल भी चढ़ा दूंगी, चावल और दाल हो जाएंगे। उसके बाद फिर मैं बैंगन जो होते हैं ना वो निकाल के रखी हूँ, उससे मैं बैंगन भाजा बनाऊंगी। तो चावल निकालने के बाद मैं उसे धुल ली थी, और पानी जितनी नाप के डालते हैं ना उसमें मैं डाल दी थी। तो दाल हो चुकी है यहाँ पर, और चावल भी पक रही है, और यहाँ पर तब तक मैं बैंगन को कट कर लेती हूँ बैंगन भाजा बनाने के लिए।
बैंगन को काट कर पानी में मैं डाल के थोड़ी देर रखूँगी, उसमें नमक भी ऐड करूँगी जिससे जो बैंगन है ना वो काले नहीं पड़ते हैं। और बस थोड़ी देर ही रखूँगी, बस मिक्स करूँगी उसका सारा पानी निकाल करके। इसमें जो भी मसाले वगैरह हमें ऐड करने हैं ना बैंगन भाजा के लिए, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। तो कढ़ाई को गर्म होने के लिए मैं चढ़ाई हूँ गैस का फ्लेम ऑन करूँगी। कढ़ाई के गर्म होते ही इसमें मस्टर्ड ऑयल ऐड करूँगी 1 से 1.5 टेबल स्पून। और यहाँ पे मैं चावल को भी तब तक चेक कर लूँगी, और जो बैंगन का पानी है ना कटोरी में, इसे मैं हटा दूंगी, फेंक दूंगी। उसके बाद इसमें मैं मसाले ऐड करूंगी सिर्फ हल्दी और नमक से भी। अब बैंगन भाजा बनाएंगे ना तो बहुत टेस्टी बनेगी। बट मैं यहाँ पर थोड़े थोड़े से मसाले कुछ कुछ ऐड किए थे, आप लोग देखिएगा अभी मैं क्या क्या ऐड की थी। तो यहाँ पे मैं लिड निकाल ली हूँ ताकि ढकते हुए बैंगन का भाजा बनाऊँ। यहाँ पर मैं मसाले ऐड कर रही हूँ, तो इसमें हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और यहाँ पे जीरा पाउडर भी मैं ऐड की हूँ, और इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। उससे पहले यहाँ पे स्वादानुसार नमक भी ऐड कर दूँगी, इसे हाथों तो से अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि सारे मसाले बैंगन पे लिपट जाएं। तो यहाँ पर ऑयल गर्म हो चुकी है, तो इसमें सारे बैंगन को मैं इसमें ऐड कर दूँगी धीरे धीरे करके, और इसे ढकते हुए 2-3 मिनट एक साइड पकाऊंगी, फिर इसे पलटूंगी, फिर पकाऊंगी, और ढकते हुए इसे पकाना है ताकि बैंगन अच्छे से गल जाए। और लास्ट में बस थोड़ी सी हाई फ्लेम करके ना 30 सेकेंड या 40 सेकेंड के लिए इसे थोड़ा सा ब्राउन सा कर लूँगी दोनों साइड से, और बैंगन भाजा हमारी फटाफट से बन करके रेडी हो जाएगी। और ऊपर से थोड़ी सी ऑयल बीच में मैं 1 टेबल स्पून के अराउंड ऐड की थी जब बैंगन को मैं पलटी थी तभी, और ज़्यादा ऑयल इसमें लगते नहीं है आपको। और बैंगन भाजा दाल चावल के साथ में बहुत अच्छी लगती है, और बिना मसाले के भी बनाएंगे ना तो भी अच्छी लगेगी सिर्फ हल्दी और नमक के साथ में। यहाँ पे मैं थोड़ी सी मस्टर्ड ऑयल ऐड की थी, मुझे लग रही थी कि थोड़ी सी कम है इस वजह से। सारे बैंगन को मैं पलट दूंगी और दूसरे तरफ से भी 2-3 मिनट के लिए पका लूंगी ढकते हुए। तो बैंगन भाजा यहाँ पर हो चुका है, फिर भी थोड़ी सी और मैं इसे ढक दूंगी 1 मिनट के लिए, और बैंगन भाजा हमारी बन करके रेडी है। तो अब जो हमारी बैंगन भाजा वाली जो गैस है उसे भी बंद करती हूँ, चावल भी हो चुकी है तो गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। हम लगाएंगे दाल में तड़का, तो गैस का फ्लेम ऑन करेंगे, कलछुल गर्म करेंगे, उसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। तो 1 टेबल स्पून के अराउंड में ऐड करूँगी मस्टर्ड ऑयल, और इसमें ऐड करूँगी मैं साबुत जीरा, सूखी लाल मिर्ची का ऐड करूँगी और हींग डालूँगी। बस ये गर्म हो जाए, अच्छे से ब्राउन हो जाए सारे मसाले, जीरा मिर्ची हींग, उसके बाद फिर मैं दाल में तड़का लगा दूँगी और हमारा जो डिनर है वो बन करके रेडी हो जाएगा। चलिए फटाफट से मैं खाना सर्व कर लेती हूँ, अभी 9 बज रहे थे, बेटे को खाना दे दूँगी क्योंकि वो कह रहा था कि उसे खाना है, क्योंकि आजकल उसे बैंगन भाजा पसंद आने लगा है, तो दाल चावल बैंगन भाजा अच्छे से खा लेता है, तो उसे मैं दे देती हूँ। उसके बाद फिर हस्बैंड आएंगे तो हम और हस्बैंड डिनर कर लेंगे। तो डिनर में मैं बनाई थी दाल चावल और बैंगन भाजा, और आपने क्या बनाया था डिनर में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।